डॉक्टर रामगोपाल जी सामोता है डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी से। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगा ये कौन सा इंसेक्ट है? इसको डॉक्टर साहब वो बोलते हैं शॉर्ट शॉर्ट कॉल्ड ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर जो खरीफ की जो फसलें हैं जैसे बाजरा मक्का इन सब में ये आता है, और ये फसलों की जो पत्तियाँ हैं ना उनको काट के नुकसान पहुँचाता है। ये कौन सा इंसेक्ट है? ये सर ड्रैगन फ्लाई है सर। ये एक प्रीडेटर है जो कि हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं हमारे, उनको खा जाता है वर्क, इससे फसलों को नुकसान होता है। ये एक तरीके से लाभदायक लाभ इसका संरक्षण करना चाहिए। जोबने से 10 किलोमीटर पास में जयसिंहपुरा गांव में वहां के प्रगतिशील किसान हनुमान सिंह जी, आज हम उनके घर पे आए हैं। इन्होंने पोल्ट्री का बहुत ज़बरदस्त काम कर रखा है। ये इतने प्रगतिशील कृषक हैं कि जोबने के आसपास सबसे ज़्यादा प्रगतिशील कृषक है, और पोल्ट्री का मेरे हिसाब से जयपुर जिले में सबसे बड़ा काम है इनका। हमारे साथ हैं डॉक्टर आयम खान सर, DSW सर, और डॉक्टर KC शर्मा जी हैं, और हम आज चर्चा करेंगे इस किसान से रूबरू हो रहे हैं कि पोल्ट्री का जो कार्य कर रखा है ये कहाँ से इन्होंने आइडिया लिया। तो हनुमान सिंह जी, पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे जोबने विश्वविद्यालय की तरफ से, कि इतना अच्छा आइडिया आपके दिमाग से कहाँ से आया, इसके बारे में आप बताएंगे सर? सर मेरे यहाँ पानी की कमी हो गई थी। पानी की कमी होने की वजह से मैंने फिर पहले तो पॉन्ड बनाया मतलब, फिर सोचा इस जमीन का उपयोग क्या करें हम खेती में, तो बारिश के अंदर थोड़ी कम होती है पैदा हमारे। तो पहले हमने एक बॉयलर का वो लगाया था जी, तो बॉयलर का लगाया तो वो कंपनी के थ्रू लगाया हमने, तो कंपनी वाले तो एक दो ग्रोह में तो सही देते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपना ही सोचते हैं का नहीं सोचते, तो उसमें हमको दोष होने लग गया था। तो फिर हम अजमेर की साइड में जा करके लिए देखा हमने दो चार लगे, तो फिर हमने सोचा भाई इसी को तो हमने छोटे रूप में शो किया था, पहले 6,000 मुर्गी का हमने स्टार्टिंग की थी इसकी, और उसी से पैदा करके फिर आगे 6,000 का और बढ़ा लिया मैंने उसको आराम से, 12-13,000 का ये चल रहा है। उसके बाद मैंने 4,000 चूल्हे का भी चलाया, हालांकि इसमें ऊपर अप डाउन होता रहता है। पहले जैसे मक्का के दाने बहाते जो 2200-2300 के बहाते हैं, तो उस टाइम हमारे प्रोग्रेस चलता रहा, तो हमने मतलब कि इनको जिंदी रख ली। अभी कोरोना के अंदर भी हमने इनको जिंदी रखी है, जब कोरोना में लोग सांडे भी नहीं बिगड़े थे, बल्कि आज हमारे वापस वो लोग कम्प्लीट हो गए। ये मतलब कौन सी किस्म की है, कहाँ से आप लाए थे? ये हरियाणा से लाए थे सर, स्काई रेट की है, स्काई लाख की है, हरियाणा से है, अजमेर की भी आती है, पर हमसे ये दोस्त मजबूत मुर्गी आती है। कितने का पड़ता है? एक 42 रुपये का पड़ता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा हनुमान जी कि आपको प्रतिदिन कितने अंडे आप इसके सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं? 10,000 अंडे रोज के सेल हो रहे हैं। 10,000 अंडे जी? अच्छा, 10,000 अंडे आप प्रति, एक अंडा कितने रुपए का आपका? अंडा तो अभी तो 5-5.5 रुपये चल रहा है। 5-5.5 रुपये अभी तक। तो हम अनुमानित ये मान लें कि आपकी एक महीने की आय बचत इस मुर्गी पालन से 1,00,000 रुपए है, जैसा मुझे अनुमान है। तो आप मुझे बताएंगे कि ऐसा मुर्गी पालन जब अजमेर में गए तो वहाँ से आप सीख के आए, तो इसमें टोटल पैसा आपको लगा होगा कि इतना पैसा, काफी पैसा आपने इन्वेस्टमेंट भी किया है इसके अंदर, तो आप मुझे बताओगे अनुमानित पैसा आपने यहाँ पे इसमें मुर्गी पालन में आपने लगाए? हमारे तो पैसे जैसे हमने 10,00,000 रुपये से KCC ले ली। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड से 10,00,000 रुपये लिए। तो हमारे पहले की खेती की जो हमारे बच्चा भी सर्विस करता है, हम भी करते थे, उसे करके हमने 30,00,000 रुपये। अच्छा, तो इन मुर्गियों को खिलाने के लिए जो मशीन लगी हुई है आपके, तो दाना यहीं से तैयार करते हो या आप? एक दाना तो वेंकी से आता है अजमेर से जी, और बाकी मक्का DRB और थक्का वो सब मिक्स करके फिर हम डालते हैं। अच्छा, फिर डालते हैं। ये इसमें आप मतलब वैक्सीनेशन के लिए करते हैं? वैक्सीन हमने जो बनाते हैं वो करवाए जाते हैं, वही कब कराते हैं? वही से कराता है, वैक्सीन टाइम टू टाइम कराते हैं। कौन से महीने में लगवाते हो वैक्सीनेशन? वो जो उसका टाइम डेट के साथ इनके तो सर एक तो पानी में होती है वो बीमार, बाकी तो जो छोटा बच्चा होता है 70-80 दिन तक का उसी में पूरी वैक्सीन हो जाती है, जैसे अपने बच्चे के होते हैं टीके लगते हैं, उस टाइप से वो सारी वैक्सीन।
काफी की ये दूसरी यूनिट है, छोटे बच्चे जो हैं चिक्स जिनको बोलते हैं ये हनुमान जी यही तैयार करते हैं, तो हनुमान जी इनका यहाँ तैयार करने का क्या है आपका उद्देश्य? सर यहाँ पे ऐसा है कि बच्चे को अपने सामने इसकी वैक्सीन जो होगी हमारे सामने होगी सारी, बिल्कुल दाना जो इसका ओरिजिनल जो इसको दाना मिलना चाहिए ताकत का जो खुराक का वो हमारे हाथों से खिलाएंगे इनको, कि ये मजबूती रहेगी तो ये ज्यादा टाइम तक पूरा अंडा देगी। अच्छा, उनमें बीमारी की समस्या भी बाद में कम नहीं है, कम रहती है। दूसरे भी लोग पालते हैं मगर वो फिर आधी वैक्सीन करेंगे दाना भी सही नहीं देंगे, वो मक्का वक्का मिला खिला के दे देंगे तो उससे क्या मजबूती नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगी, वो इनकी उम्र भी सही रहेगी। तो हनुमान जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये जो छोटे चिक्स हैं आपके पास कितने हैं टोटल? 4,000 है ये दूसरी यूनिट के अंदर आपका 4,000 का छोटे ये चिक्स का है। इनको भी अपने ये ही कंप्यूटराइज सिस्टम है आपका पानी पीने का, वही है और ये दाना भी मशीन के थ्रू आता है वहीं से सप्लाई बड़ा हुआ आता है आदमी के थ्रू, आदमी डालता है नहीं यहाँ आने के लिए, इनमें आदमी डालता है उनमें मशीन से है। हनुमान जी ये आपके अजमेर से आता है? अच्छा, कितने रुपए का कट्टा आता है ये? सर अभी 1,250 का आता था, 50 किलो का है, 50 किलो। अच्छा, आपकी मशीन से तैयार करते हैं वो अपन डाल सकते हैं जिसका आपने बना रखा है LC 175 kg, मक्का 240 kg, DRB 35 kg, पत्थर 50 kg, ये रेशियो आप ये रेशियो बना लेते हैं, ये सारा का सारा आप बना के बना करके और ऊपर चढ़ा देते हैं, यहाँ से मशीन के द्वारा चढ़ जाता है। अच्छा, मशीन का वहाँ से चालू हो जाता है, मिक्स में होकर के इसमें चल जाता है, इससे फिर सीधा मशीन में वहीं पे आप यूनिट में जाएगा, ये बहुत ही अच्छा बना रखा है आपने। तो इस मशीन का भी आपके पास कुछ सब्सिडी कुछ घर से बनाया? घर से बनाया। अच्छा, तो आपके जमीन कितना बीघा है टोटल? सर मेरे जमीन है यहाँ 35 बीघा। अच्छा, तो अपन देखना चाहेंगे आपके जो यूनिट पॉन्ड बना हुआ है जहाँ से पानी की आपके बड़ी समस्या है, बारिश के पानी को आप एकत्रित करके और यहाँ इकट्ठा करके फिर मुर्गियों तक पहुँचता है आपका पानी, वो हम देखना चाहेंगे, अपन वहाँ चलेंगे। हनुमान जी का जो पॉन्ड है ये बहुत कीमती है हनुमान जी का, कि सारी मुर्गियों का पानी यहीं से जाता है, बारिश का बिल्कुल यहाँ सुरक्षित तरीके से ये स्टोर करते हैं पानी का और फिर उसके बाद में इनको मुर्गी तक सप्लाई होती है। डिस्क्राइब करा है कि रावे है क्या एक्चुअल में, तो रावे है रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस, मतलब आपको जो थ्योरी पढ़ाया गया है जो भी पूरा BSc में, तो वो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मिलेगा, जो भी आपको थ्योरी है वो जाके ऑन फील्ड आपको देखनी है, पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना है कि एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि सर थ्योरी में थ्योरी स्टूडेंट को पता होती है पर जब ऑन फील्ड जब बहुत कुछ देखते हैं तो वो एकदम ही अलग सा लगता है, तो ये उसका मोटिव है कि आपको ऑन फील्ड भी चीजें आनी चाहिए। फिर देन मैंने एक्सप्लेन करा है कि हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम चालू हुआ था, तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमारा 10 से 14 तारीख तक किया गया था, तो बेसिकली जो इंचार्ज सर का मैंने नाम लिखा है आपका डॉक्टर BS भदाला सर, और फिर मैंने जैसे कि सल्फर फंगीसाइड्स एंड कॉपर फंगीसाइड्स, सल्फर फंगीसाइड्स में जैसे सब सल्फर डस्ट वगैरह भी हो गया, और भी फंगीसाइड्स हैं जो कॉमनली यूज होती हैं जैसे कि रेडोमिल और मैनकोजैब, ये भी बहुत कॉमनली यूज फंगीसाइड है, पर उनके पास जो मैंने बेसिकली वहां अच्छे से लेबलिंग थी उस पर कि मोनोकोट्रोफस जो उनके पास फंगीसाइड थी, देन मैंने लिखा है कि आप जो हमारे सर हैं वो एक प्रॉपर वे में चलते हैं तो प्रोसीजर फॉलो करते हैं और डेली डायरी रिकॉर्ड्स बनाने के लिए बोलते हैं जो कि बहुत सही है, तो मैंने डायरी रिकॉर्ड की भी एक फोटो डाली है जिसमें जो भी हम डेली मेंशन वहाँ सीख के आते हैं या जो भी करते हैं, तो ये हमारा डायरी रिकॉर्ड है, तो थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई रिप्रेजेंट माई PPT ऑफ विलेज अटैचमेंट वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेडी प्रोग्राम, इसमें रेडी प्रोग्राम स्टूडेंट्स को रूरल लाइफ के बारे में अवेयर करवाने के लिए और जो फार्मर प्रैक्टिस फॉलो करता है उनके बारे में उनको ट्रेनिंग देने के लिए वो समझ सके कैसे करें उनको और अप्लाई के मेथड देखे इसके लिए। फिर इसके बाद में 7 days का ओरिएंटेशन इंसेक्टिसाइड है क्लोरोपाइरिफॉस 1 kg, फिप्रोनिल 0.3% GR, फोरेट फेनवेलेट 0.4% DP, क्लोरोपाइरिफॉस 1.5% DP,
ये प्रैक्टिस है एक स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड क्लोरोपाइरिफॉस की 20% इसी की 1 लीटर पर 100 लीटर वाटर में लेडी फिंगर क्रॉप में फ्रूट बोरर के लिए की थी नेपसेक स्प्रेयर से। फार्मर के पास एक स्ट्रोक कटर मशीन है जो ग्रीन फोडर को स्मॉल पीसेस में कट करके एनिमल्स को डालता है और एक फोडर सेपरेटर है जिसके द्वारा वो डस्ट को हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका काटवा है और मैं बीएससी ऑनर्स एजी पार्ट 4 की स्टूडेंट हूँ। आज आप सबके सामने मैं इस रेडी प्रोग्राम के कुछ फीडबैक पॉइंट्स देना चाहूँगी, वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इस रेडी प्रोग्राम ने जो हमारे जो प्रैक्टिकल नॉलेज को बहुत इंप्रूव किया है। जो बेसिक डिफरेंस होता है पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो एक फार्मर अडॉप्ट करता है और एक जो हमने थ्योरी बुक्स में पढ़ा उनका जो बीच का जो वाइड गैप है वो हमें इस प्रोग्राम के थ्रू जाना है। और इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद करूँगी अपने राविंसा डॉक्टर वी एस प्रधान सर और जितेंद्र सर का कि वो हमें रोज़ नए नए टास्क देते हैं जिसके थ्रू हमें फार्मर की फील्ड पर जाते हैं और उनको परफॉर्म करते हैं। टास्क जैसे कि कभी सर हमें बोलते हैं कि फार्मर के जो एप्लीकेशन मेथड्स है वो न्यूट्रिएंट्स जो अप्लाई करता है वो कौन कौन से अप्लाई करता है और करता है तो जो जैसे फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड्स है फर्टिलाइजर्स कौन कौन से अप्लाई करता है यूरिया डीएपी एमओपी कौन से अप्लाई करता है और उसकी क्रॉप की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग करता है या कौन से मेथड्स के थ्रू एप्लीकेशन उनकी करता है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अपने इंचार्ज सर डॉक्टर बी एस बिदाला सर का, जितेंद्र सर का, शर्मा सर का, नायम खान सर का कि उन्होंने हमें मौका दिया और इस पैंडेमिक के टाइम पर भी हमें इतनी फैसिलिटीज़ दी और इतने आइडियाज़ दिए जिसके थ्रू हमने इतना कुछ सीखा। थैंक यू रेडिंग चार डॉक्टर बी एस बदाला सर। वी आर प्रोवाइडेड डेली टास्क विच आई वुड से इज लाइक ईजी गोइंग थिंग फॉर अस सो दैट वी डोंट गेट ब्लैंक लाइक वॉट टू डू नेक्स्ट नेक्स्ट डे क्या करें हमने क्या करना है। सो सर प्रोवाइड अस अ टास्क एंड देन अ लिंक टू अपलोड द कलेक्टेड डेटा द एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फार्मर फील्ड सो दैट ही कैन चेक वेदर स्टूडेंट्स आर डूइंग द वर्क और नॉट। एंड एंड द सेकेंड वी वर प्रोवाइडेड रेडियो टॉक in which I got to know how to write an organized and professional radio talk and thanks to Dr. K.C. Sharma sir for his guidance and support. Then we have had the task write a success story on the farmer that we have that we are provided and I must say I got to know like what he feels while establishing a unit on himself. लाइक मेरे फार्मर ने कोई सब्सिडी नहीं ली थी क्योंकि उन्होंने जो प्याज भंडारण गृह बनाया तो वो क्या छोटा था और उनको थोड़ा इस तरह की सब्सिडी नहीं है शायद नहीं देता उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर सब कुछ उन्होंने खुद के बलबूते पर बनाया जो अब उनको प्रॉफिट दे रहा है पर हम के लिए काफ़ी हार्ड टास्क रहा तो ये मुझे पता चला उनके एक्सपीरियंस मुझे सीखने को मिले। देन या वी आर असाइन द टास्क ऑफ इंसेक्ट कलेक्शन, वीड कलेक्शन, सीड कलेक्शन